एसपी शिमला मोनिका भुटुंगरू ने जानकारी देते हुए बताया कि एक युवती का शव पेड़ पर लटका मिला है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। एसपी ने कहा कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एसपी शिमला मोनिका भुटुंगरू ने जानकारी देते हुए बताया कि एक युवती का शव पेड़ पर लटका मिला है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। एसपी ने कहा कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एसपी शिमला घटनास्थल पर दल बल के साथ पहुंची थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए IGMC भेजा गया है। वहीं फॉरेंसिक की टीम भी साक्ष्य जुटाने पर मौके पर पहुंची दिखी। वहीं महिला नेत्री व PhD की इस छात्रा का शव मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर शहर में खूब चर्चा है। वहीं प्रथम दृष्टि में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच अभी आने वाले दिनों में की जानी है। हाँ जी, आज एक डेड बॉडी मुझे हमें मिली है हैंग करते हुए यहीं पर संगती में। जो डेड बॉडी है एक 26 साल की लेडी की है। हमने यहाँ पर मौके पे फॉरेंसिक साइंस की जो टीम है उसको बुलाया है और जो बॉडी है वो भी एग्जामिनेशन के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो, जैसे चीज़ें पता चलेगी विल इन्वेस्टिगेट अकॉर्डिंगली। कुछ पता चल पाया मैम कि सुसाइड है या कोई और परिस्थितियाँ कुछ और हैं? देखिए, अभी कुछ भी कमेंट करना सही नहीं होगा। जैसे जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आएगी अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।